और चलिए आपको सीधे मध्य प्रदेश में ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कर सकती थी, ये कांग्रेस के समय में भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने ये करके दिखा दिया। हर गरीब को राशन की सुविधा मिले, ये कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश और देश में शासन किया, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, वे नहीं कर पाए। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उनके एजेंडे में नहीं था, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, सीएम राइज स्कूल बननी चाहिए, अमृत सरोवर बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनने चाहिए। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन उनके पास इसका विजन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या का नाम है। भैया बहनों, अंतर फर्क साफ है, एक समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है, आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान, समाधान। भैया बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कल आपने देखा होगा, राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं, पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हो, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथ पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथ पुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने उजाला था, मोदी जी ने संवार दिया। भाइयों बहनों, ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए वाराणसी में, दर्शन क्या हुआ काशी विश्वनाथ धाम का? नया काशी विश्वनाथ धाम जाइए, कितना भव्य और दिव्य बन गया। महाकाल के महालोक में दर्शन करिए, कितना भव्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या को एक बार देखेंगे, आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि वाह, यही अयोध्या पुरी है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें
समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान समाधान इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान, और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। आप सहमत है ना? आपको क्या चाहिए, समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए ना। तो भाइयों बहनों, इसी समाधान के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, विशेष रूप से कहने के लिए। अरे पृथ्वीपुर तो हमारा ललितपुर और झांसी जिले से घिरा हुआ है, यहाँ की सारी समस्या का समाधान तो भोपाल से भी हो जाएगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी हो जाएगा, दोनों से बराबर दूरी है, कहीं कोई समस्या नहीं। कोई सोचता था पहले हर घर नल की योजना आ पाएगी यहाँ पे? सपना था। हमारी माताएं अपने गगरी को लेकर के जाती थी, 3-5-7 किलोमीटर दूर जाकर के किसी प्रकार से लेकर के आ पाती थी, पूरा समय व्यतीत हो जाता था ऐसे। आज तो आरओ का पानी हर घर नल तक पहुंच रहा है, डबल इंजन सरकार का कार्य है। उद्योग लग रहे हैं, नए उद्योग। अब हमारे यहां के लोगों को नौकरी और रोजगार के लिए मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहां के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी रोजगार की, तो वे लोग यहां आएंगे, यहां यहां। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए डबल इंजन सरकार जब कार्य करती है तो इसकी स्पीड भी होती है और वह बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ भी देती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देती है। आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, कर्फ्यू नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, माफियागिरी नहीं है, आस्था पर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, गरीब के हाथ का निवाला कोई नहीं छीन सकता है, और जो छीनेगा तो उसको ही मालूम है कि फिर क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्री शिशुपाल यादव जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में लड़ा है। दो विधानसभा सीट है यहां पे, एक निवाड़ी और एक पृथ्वीपुर, दोनों में भाजपा की प्रत्याशी है, दोनों में भाजपा के विधायक थे, और फिर से सरकार बनाने के लिए दोनों में भाजपा फिर से चाहिए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर सभी लोग सहमत है ना? तो आप सभी लोग दोनों हाथ खा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी की ये बड़ी बात, अयोध्यापुरी में डबल इंजन का विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी बातें कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल को कांग्रेस की गंभीरता से नहीं है और कांग्रेस ने जो उजाड़ा मोदी जी ने वो संवारा है। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहाँ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।